अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। मोरक्को के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मोरक्को में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसने देश में साल भर होने वाली औसत बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरक्को की राजधानी रबात से 450 किलोमीटर दूर एक गाँव में 24 घंटे में करीब 4 इंच बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 50 सालों में यह पहली बार सहारा रेगिस्तान में इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में इरिकी झील में पानी भरता नजर आया है, जो पिछले 50 साल से सूखी थी। सहारा रेगिस्तान में रेत के बीच पानी भरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इससे पहले सहारा रेगिस्तान में 1974 में 6 साल के सूखे के बाद बारिश हुई थी, जो बाद में बाढ़ में बदल गई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 1500 साल में सहारा का रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती इस दौरान अपनी धुरी पर 22 से 24.5 डिग्री तक झुक जाएगी। सहारा रेगिस्तान 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत के दोगुने से भी ज़्यादा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। इसमें माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं।